अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। देश में पहले ही कोरोना के 4 लाख से अधिक रोजाना मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के नए मामलों की संख्या गिरकर लगभग 1,03,000 पर आ गई है। लेकिन इन सब के बीच दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की भी चिंता सताने लगी है। तीसरी लहर कितना खतरनाक होगा और कब भारत में इसका असर दिखने लगेगा, इस पर एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत का कहना है कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया और इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। वीके सारस्वत ने तीसरी लहर पर आगे कहा, भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य है और इसके सितंबर अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। हमने कोरोना की दूसरी लहर का अच्छी तरह सामना किया और यह उसी का परिणाम है कि संक्रमण के नए मामले काफी कम हो रहे हैं। तो वही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नीति आयोग के वीके पॉल का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर में अनलॉक से कोरोना भी कम हो जाएगा। अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो दोबारा कोरोना की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि जिसे हम कभी सोचे तक नहीं है। बहुत जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं भी आए। तो सुनिए वीके पॉल ने क्या कहा। अगर हम ये सारा व्यवहार एकदम से फिर उसी पे चले जाएंगे जो दिसंबर जनवरी फरवरी में था, मान लीजिए एकदम से चले जाएंगे, तो वे फिर दोबारा जल्दी आएगा वायरस और ऊंचाई तक जाएगा। इसको हम धीरे 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 अपना बिहेवियर को एडजस्ट करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, टाइट रोप वॉक करेंगे, तो वेव छोटी भी होगी, शायद ना भी आए और आगे चलती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू बाई टाइम एंड वी वॉन्ट टू बाई टाइम पर्टिकुलरली टू एनश्योर दैट वी अचीव अ हाई कवरेज ऑफ आर वैक्सीनेशन। दैट्स द टाइम वी वॉन्ट टू बाई। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,85,74,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या में रिकवरी दर 93% के पार चली गई है। वहीं मृतकों की संख्या 3,40,702 से ज्यादा हो गई है। इसलिए तीसरी लहर से बचने के लिए एक्सपर्ट का भी मानना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। कुल 19 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।